नमस्कार दोस्तों मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने जाने सोनी नाथ पे स्वागत करता हूँ सभी बहनों का फिर से हाजिर हुआ कि नहीं जाने वाले कुंडलनी शक्ति के जागृत तो होते ये सब होना स्वाभाविक है यही संकेत बताते हैं कि आपकी कुंडलनी जो जागृत है वो हो चुकी है उसमें यानी कि शक्ति भेदन कर चुकी है तो सर्वप्रथम निवेदन रहता है वीडियो को बिना स्किप करे देखना तभी आपको समझ में आएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करना उस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और एक निवेदन रहता है अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो एक वीडियो देख के सीधा डायरेक्टली नंबर दिया नंबर पर ऊपर कॉल या ऐसे बिना पूछे मैसेज करने से कोई फ़ायदा नहीं है बाकायदा सारी सर्विस पेड है पहले बता दूँ खर्चा लगना है अरदास भी लगवाते हो कुछ लगवाते हो कोई काम कराते हो भूत चढ़ रहा है कोई प्रेज चढ़ रहा कोई सिद्धि लेनी है कोई साधना लेनी है कोई बंधन लग रहा है तो भोग प्रसाद लगना है ऐसे नहीं होना है अरदास अपने अपनी समर्था का अगर आपने किसी साधना के लिए अरदास करवानी है तो वो अपने अपनी समर्था के अनुसार भेजना चाहे आप एक रुपया भेजो दस भेजो दस लाख भेजो दस करोड़ भेजो वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है लेकिन बाकायदा किसी प्रकार का काम लेना घर में सुख शांति समिति के लिए हवन करवाना काट करवानी है तो उसमें दस हज़ार लगे पंद्रह लगे बीस लगे पचास लगे लाख लगे वो तुमने ही लगाना है तो तुम लोग देख लेना विश्वास है ट्रस्ट हो तो करवाना नहीं तो आप कहीं और से भी करवा सकते हो गुरु मंत्र बिना जांचे परखे मैं किसी को देता नहीं यहाँ पे जितने वीडियो बनाता हूँ सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए बनाता हूँ इन वीडियो का प्रयोग करने से पहले आपने मेरे साथ बातचीत करनी है आपने फिर भोग भेजना अपना फ़ोटो आई प्रूफ भेजना मैं आदेश करूँगा तभी आपने इन मंत्रों का प्रयोग करना है ऐसे आपने इनका प्रयोग नहीं करना बाकी जो कुछ करना है गुरु स्निधि में करना गुरु कृपा के साथ करना क्योंकि कर्म कमाना पड़ता है गुरु मंत्र लेने के बाद भी कर्म कमाना पड़ता है बेड पर बैठे कोई भी चीज़ नहीं मिलती है इन चीज़ों का आप ध्यान रखना बाकी इंटरनेट की दुनिया में कोई गुरु नहीं ने किसी के जान से फसना, सारी प्लेलिस्ट चेक कर लेना वहीं पे प्रोडक्ट है मेरे वहीं पे हर एक टॉपिक ऊपर वीडियो बना हुआ वीडियो को अच्छे से देख के समझ के फिर आप मेरे साथ बातचीत करना फिर आप मिलना फिर उसके बाद देखेंगे कि आगे, आगे आपको कैसे चलाना है कैसे आपने सामना सिद्धि करनी है ठीक है बाकी चार चैनल है सनी नाथ तो हई है, है जिस पे वीडियो आ रहे हैं इसको ज़्यादा सपोर्ट करना जितनी ज़्यादा सब्सक्राइबर जितने ज़्यादा व्यू आएंगे उतने ही बढ़िया बढ़िया वीडियो यहाँ पे डालेंगे उसके अलावा गुरु गोखना शिव गुरु शिणासी से तीन और चैनल है मेरे तो हम माता हूँ टॉपिक के ऊपर कुंडलनी शक्ति का जागृत होते ही ये सब होना स्वाभाविक है ये संकेत बताते हैं कि आपकी कुंडलनी शक्ति जागृत हो चुकी है तो देखो आप लोग ध्यान करते हो अब मुझे नहीं पता आप लोग गुरु के स्निधि में चल रहे हो नहीं चल रहे हो लेकिन वीडियो में जो सिम्टम्स होते हैं सिम्टम्स सबके सेम होते हैं जब आप चलते हो ना किसी साधना सिद्धि के क्षेत्र में तो सबको सिम्टम्स एक तरह से ही आते हैं जब आप किसी प्रकार का जब करते हो आप किसी मंत्र का प्रयोग करते हो क्योंकि मंत्रों में क्या होता है बीज मंत्र होते हैं अब मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूँ कि आप गायत्री मंत्र का या निवारण मंत्र का जब करते हो तो निवारण मंत्र के पहले ही जो मंत्र शब्द हैं जिनको कि दो तरह से बोला जाता है वो तीनों ही बीज है जब वो बीज मंत्र आप बोलते हो बीज मंत्र बोलने के बाद क्या होता है शरीर के ऊपर उनका इफेक्ट आता है क्योंकि ऊर्जा हम कहाँ से उठाते हैं वातावरण से इस वातावरण में जो हवा के पांच तत्वों से इंसान का निर्माण हुआ है पाँच तत्वों से इंसान बना है उन्हीं तत्वों पे इंसान आधारित है उन्हीं तत्वों को ग्रहण करके इंसान जी रहा है उन्हीं तत्वों में ही एनर्जी है उन्हीं तत्वों में ही ज्ञान है एक भी तत्व अगर आपको धरती माता तत्व का पता लग जाता है पूर्ण रूप से तत्व में क्या है तो आपको धरती का सारा ज्ञान हो जाएगा कौन सी जड़ी बूटी खाने से क्या होता है यानी कि बैद बनना ये सारी सिद्धि आपको कब मिलती हैं जब आपकी कुंडली पहले चक्कर पे ही ये सारी चीज़ें विराजमान है जैसे गणेश जी बैठे हो तो गणेश जी का लिंक इसके साथ धरती माता के साथ लिंक है सेकंड चक्कर है थर्ड चक्कर है फोर्थ चक्कर है फिफ्थ है सिक्सथ है सेवन्थ है सा चक्कर होते हैं अनर्जी हमेशा पाँव की तलियों से और आपकी हाथ की जो तलियो होती है सेंटर पॉइंट होते हैं वहाँ से स्टार्ट होनी है धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगी शरीर का एक अवस्था में बिल्कुल सुन्न हो जाना नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाना वाइब्रेशन आएंगी आपको ऐसे लगे जैसे टांग सो जाती है आपको लगेगा कि सो रही है मेरी टांग लेकिन वो वाइब्रेशन रियल में नेचुरली है वो जमीन से चढ़ता है पहला तत्व जब एक्टिवेट होगा तो एनर्जी नीचे से आएगी और वो अनर्जी आपके शरीर के ऊपर जब प्रवेश करेगी ऊपर चढ़ती जाएगी नाभि से ऊपर आएगी उसके बाद आपका शरीर एकदम से हीट होगा गर्म हो जाएगा क्योंकि थर्ड चक्कर तक जब पहुँचते हो मणिपुर चक्कर यानी तीसरे चक्कर नाभि चक्कर पर आप आते हो तो वहाँ पर एनर्जी का जो लेवल है वो इतना हायर होता है कि वो शरीर को गर्म कर देगा एकदम से शरीर को ठंडा कर देगा तो ये अनुभव आना स्वाभाविक है कुंडलानी शक्ति में आपका बार बार ध्यान लगेगा आपको नींद के झोंके आएंगे नाइन्टी नाइन परसेंट पब्लिक को जो माथे में कलर दिखाई देता दो प्रकार का पहले ब्लू कलर देखेगा ब्लू में ही वो कलर चेंज होकर पर्पल हो जाना बैंगनी कलर हो जाना आपको लगेगा किसी गुफा में घुस रहे हो आप ऐसे ऐसे बढ़ेगा कभी कम होगा और एकदम से सिल्वर कलर सामने आएगा जब ये चीज़ आएगा तो ब्लू कलर में और सिल्वर कलर में आपको कुछ आकृतियाँ बनी हुई दिखाई देंगे जैसे कोई इंसान आपके सामने हाथ करके खड़ा हुआ है तो वो भगवान शंकर जी है विष्णु भगवान है ब्रह्म देवता सबसे पहले इनके दर्शन होने हैं और जिस जिस तत्व पे जिस जिस चक्कर के ऊपर जो जो देवता बैठा उनके आपको दर्शन होते हैं स्वाभाविक रूप है सेम रहेगा कुंडलनी शक्ति एक्टिवेट होने बॉडी के ऊपर झटके पूरे जोर से आएंगे कोई बॉडी दुखेगी नहीं एंजल मिलेंगी बढ़िया बढ़िया खुशबू है कि तीन एंजल्स मिलेंगी जो आपको पोछ बताएगी एक कार्य करेगी और एक आपकी रक्षा करेगी सदा आपका मार्गदर्शन करेगी बाकी जो कुछ होता है वो गुरु स्ने से होता गुरु से मंत्र लेके गुरु से शक्तिपात लेके ही आप इन चीजों को कर सकते हो होपफुली मेरे दर्दी की जंगली स्पष्ट और अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को शेयर करना सभी जैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना बाकी की सर्विस पेड है